नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय, आपकी यूट्यूब चैनल संजय मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम वेब टेक्नोलॉजी का लेक्चर 3 यूनिट 5 से लेके आ रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार इससे रिलेटेड गेट और नेट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट सर्विसेज एंड टूल्स, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट सर्विसेज एंड टूल्स। सबसे पहले हम इंटरनेट सर्विसेज के बारे में पढ़ चुके हैं, वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरनेट सर्विसेज कौन कौन सी हैं, इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाने वाली सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और वो टूल्स कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से इंटरनेट को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिनके माध्यम से हम उन सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज हमारी 4 तरीके की होती हैं। पहला होता है कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, जिनके थ्रू हम सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर के बीच में हम कम्युनिकेशन कर सकें, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उनके से रिलेटेड बहुत सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरी होती है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए भी हमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। रिट्रीव मीन्स निकालना, कि कहीं ना कहीं से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, सर्च आउट करके निकालनी है, या फिर किसी से हमें मैसेज रिसीव करना है, या किसी से हमें कोई और कम्युनिकेशन करना है, तो उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए भी हमें कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती हैं, लाइक दैट कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें। और एक होता है वेब सर्विसेज, वेबसाइट से रिलेटेड कितनी सर्विसेज, वेब सर्विसेज कितनी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके भी बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे इंटरनेट सर्विसेज के अंदर। और सबसे लास्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं WWW की बात करूँ, जब भी मैं WWW की बात करता हूँ तो ये आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज की बात करता हूँ। तो वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज जो होती हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो HTTP के साथ में मिलकर के काम करते हैं, डोमेन के साथ में मिलकर काम करते हैं, होस्ट के साथ में मिलकर काम करते हैं, ये सारी सर्विसेज होती हैं। अब हम सबसे पहले कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन सर्विसेज की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कि ये वेरियस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स को अवेलेबल करवाती है, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करती है, ये सारा काम करने का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन सर्विसेज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देर आर वेरियस कम्युनिकेशन सर्विसेज अवेलेबल दैट ऑफर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विथ इंडिविजुअल और ग्रुप्स। ये बोल रहा है कि हमें बहुत सारे तरीके की इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको हम एक्सचेंज करते हैं, ऑफर करते हैं, इंडिविजुअली और ग्रुप के अंदर भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम उन कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमने हमारे इंटरनेट सर्विसेज और टूल्स के अंदर पहला टॉपिक है। कम्युनिकेशन सर्विसेज में पहला होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हम इंटरनेट के थ्रू सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र करते हैं। वही चीज़ बोल रखा है, यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक भेजते हैं, रिसीवर से सेंडर तक वापस रिसीव करते हैं। तो ये सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन जो चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू चल रहा है। दूसरा होता है टेलनेट। टेलनेट के अंदर क्या होता है कि किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वही चीज़ है, यूज टू लॉग ऑन टू ए रिमोट कंप्यूटर दैट इज अटैच्ड टू द इंटरनेट। हम उसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं जो किसी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, उसी से हम उसकी इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं। थर्ड वन हमारा है न्यूज़ ग्रुप।
न्यूज़ ग्रुप के अंदर क्या होता है कि ओपनली डिस्कशन होता है कि सब सारे लोगों का एक कॉमन इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के हम उस पर ओपनली डिस्कशन करना चाहें, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना चाहें, तो वो भी हम इंटरनेट सर्विसेज के अंदर ही काउंट करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर ही काउंट करते हैं। न्यूज़ ग्रुप ऑफर ए फॉर्म फॉर पीपल टू डिस्कस टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सबसे कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक हम लेते हैं और उस पर डिस्कशन चलता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनेट रिले चैट, IRC जिसको बोला जाता है। ये अलाउ करता है किसी भी आदमी को किसी इंटरनेट के थ्रू रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, हम जिसको RTS बोलते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन बोलते हैं, जैसे IRCTC से रिलेटेड करते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं अलाउ द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट मैसेज की। जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट मैसेज के थ्रू भी हम क्या करते हैं, रियल टाइम मैसेज सेंड करते हैं, रियल टाइम चैट करते हैं, जिस तरीके से फेसबुक मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, और बहुत सारे डिफरेंट व्हाट्सएप हैं, तो ये सारे कम्युनिकेशन किसी न किसी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी, और दो से ज़्यादा डिवाइसेस जब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो इन सभी सर्विसेज के थ्रू हम कम्युनिकेशन सर्विसेज की ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अब हम इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज जो होती है इंटरनेट सर्विसेज का मेन पार्ट होता है। इसके थ्रू हम किसी भी, मैंने बताया था आप लोगों को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, सेंड करते हैं। तो इसके अंदर पहली सर्विसेज क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP जिसको बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को सेंडर से रिसीवर तक भेजते हैं और रिसीवर से सेंडर तक वापस रिसीव करते हैं। इसके लिए हम FTP प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज में लेते हैं, जो हम क्या बोल सकते हैं, इसको इनेबल द यूजर टू ट्रांसफ़र द फाइल्स। किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूजर को इनेबल रखते हैं, किसके थ्रू, FTP प्रोटोकॉल के थ्रू। RC क्या होता है, अपडेट डेटाबेस ऑफ पब्लिक FTP साइट एंड कंटेंट्स, इट हैपन टू सर्च ए फाइल बाय इट्स नेम। इसके अंदर FTP की मैं बात कर रहा हूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक कंटेंट होता है जिसको हम सर्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी फाइल के नेम से भी, किसी नेम से भी हम इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, RCU सर्विसेज के थ्रू हम कर सकते हैं। और थर्ड वन होता है गोफर्स जो सर्विसेज होती हैं, इनके अंदर क्या होता है कि हमेशा सर्च सिस्टम अवेलेबल रहता है, रिट्रीवल सिस्टम अवेलेबल रहता है, डिस्प्ले का सिस्टम अवेलेबल रहता है। पर्टिकुलर किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम सर्च करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, किस पे, रिमोट साइट पे, किस पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं उसको, रिमोट साइट पे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज के अंदर आती हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं वेब सर्विसेज डिफरेंट टाइप की होती हैं, उन पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम हमारी इंटरनेट सर्विसेज में थर्ड नंबर पे जो चीज़ है उसको देख लेते हैं, वो है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज करने का काम करती हैं, कोई दो एप्लीकेशंस के बीच में, कोई दो वेब के बीच के अंदर, तो वही सारी चीज़ें हम वेब सर्विसेज के अंदर हम लेके आते हैं। हमारा डेफिनेशन है, वेब सर्विसेज अलाउ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन एप्लीकेशन ऑन द वेब यूजिंग वेब सर्विसेज। एप्लीकेशन कैन ईजीली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। कोई भी एप्लीकेशन हो वो एक दूसरे के साथ में आसानी से इंटरेक्ट हो सकती है, वो भी वेब सर्विसेज के थ्रू हो सकती है। कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो भी हम
वेब सर्विसेज के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें वेब सर्विसेज के अंदर आती हैं। अब हमारा नेक्स्ट है जो लास्ट है इंटरनेट सर्विसेज के लिए, जो है WWW वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट सर्विसेज होती हैं। WWW क्या करता है कि पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स और कंटेंट्स होता है, लाइक द टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट हाइपरलिंक्स हैं, इन सारी चीज़ों को सर्च आउट करने के लिए और लिंक करने के लिए WWW यूज में लेते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यूज में लेते हैं। तो इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं। WWW इज आल्सो नोन एज W3। इट ऑफर्स ए वे टू एक्सेस डॉक्यूमेंट स्प्रेड ओवर द सेवरल सर्विसेस ओवर द इंटरनेट। दीज डॉक्यूमेंट्स मे कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक्स। द हाइपरलिंक्स अलाउ द यूजर टू नेविगेट बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। जो हाइपरलिंक है वो नेविगेशन प्रोवाइड करवाता है यूजर और डॉक्यूमेंट दोनों के बीच में। तो दोस्तों ये हमारी थी इंटरनेट सर्विसेज और टूल्स। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के साथ में टेक्निकल पार्ट के अब AKTU से रिलेटेड, IP यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, DU से रिलेटेड, RTU से रिलेटेड, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और हिंदुस्तान की हर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जितने भी सिलेबस हैं एज पर करिकुलम नेट गेट से रिलेटेड, वो सारे मैं टेक्निकल पार्ट्स लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्रिप्शन कीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा के रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। नमस्कार।